हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों को सिखाऊंगा एक ऐसा सॉन्ग जो हर गिटारिस्ट जब गिटार सीखना शुरू करता है तो इस सॉन्ग को ज़रूर प्ले करता है। और ये सॉन्ग है DDLG की थीम मेलोडी उसकी है, जो शाहरुख खान ने खेतों में खड़े होकर मैंडोलिन से प्ले किया है। इस DDLG थीम की वीडियो मैंने एक साल पहले ही अपलोड की थी, लेकिन उसमें मैंने फिंगर स्टाइल सिखाई थी और फिंगर स्टाइल बेगिनर्स को थोड़ा टफ लग सकती है। तो ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जिन्होंने गिटार अभी सीखना शुरू किया। ये जो मेलोडी है वो एक्चुअल में मैंडोलिन पे प्ले हुई है, और अगर आप मैंडोलिन को गिटार पे प्ले करना चाहते हैं, बिल्कुल रियल फील लाना चाहते हैं मैंडोलिन की गिटार पे, तो आपको बहुत फास्ट अल्टरनेट पिकिंग करनी पड़ेगी, जो कि शायद बिगिनर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और इसको सिंपल बनाने के लिए मैंने सिर्फ उतने ही स्ट्रोक यूज़ करे हैं जितने में ये मेलोडी कम्प्लीट हो जाए। और इसको मैं सिंगल स्ट्रिंग पे सिखाऊंगा, सबसे नीचे वाली स्ट्रिंग पे सिखाऊंगा। सिर्फ एक नोट जो है वो सेकंड स्ट्रिंग पे आएगा और बाकी पूरी मेलोडी सिंगल स्ट्रिंग पे चलेगी। तो इस मेलोडी को सिखाने के लिए मैंने इसको चार पार्ट में डिवाइड किया है, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए और आप एक बार में इस मेलोडी को सीख जाए। तो इस मेलोडी का सबसे पहला पार्ट प्ले करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्ट्रिंग पे 5 बार 0 प्ले करेंगे, मतलब 5 बार ओपन स्ट्रिंग प्ले करेंगे। और ये जो 5 नोट्स आप प्ले करेंगे ओपन स्ट्रिंग पे, तो इसको क्या करेंगे आप, जो पहला नोट रहेगा वो डाउन, फिर दूसरा नोट अप, फिर तीसरा नोट डाउन, फिर चौथा नोट अप, फिर पांचवा नोट डाउन, मतलब आपको इस टाइप से करना है। तो फर्स्ट स्ट्रिंग पे 5 बार ओपन, देन 7 7, देन 5, then 7 again, then 3, then 5, then 8, then 7। तो इसको स्लोली प्ले करते हैं, देखते हैं कैसा बजता है। तो इतना हो गया, अब अगले पार्ट पे चलते हैं। अगले पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 बार ओपन, 0 0 0, then 7 7, then 5, then 7 again, then 3, then 5, then 3, then 2। तो इसको मैं स्लोली प्ले करता हूँ शुरू से, कैसे प्ले होगा। ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था। उसके बाद आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कहां से स्टार्ट होगा, सेकंड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग से, 2 2 ऑन फर्स्ट स्ट्रिंग, देन 0 ऑन फर्स्ट स्ट्रिंग, देन अगेन 2 ऑन फर्स्ट स्ट्रिंग, देन 3 ऑन सेकंड स्ट्रिंग, then 0 on first string, then 2 on first string, then 3 again on second string, then 0 on first string, then 2 on first string, then 3 again on second string, then 0 on first string, then 3 on first string, then 2 on first string। तो इसको मैं स्लोली प्ले करता हूँ, देखता हूँ कैसा आता है। उसके बाद आता है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट भी सेकंड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग से स्टार्ट होगा, 2 2, देन 0, देन 2, देन 3 ऑन सेकंड स्ट्रिंग, देन 0 ऑन फर्स्ट स्ट्रिंग, देन 2 ऑन फर्स्ट स्ट्रिंग, देन 3 ऑन सेकंड स्ट्रिंग, देन 0 ऑन फर्स्ट स्ट्रिंग, देन 2 ऑन फर्स्ट स्ट्रिंग, देन 3 ऑन सेकंड स्ट्रिंग, देन 3 ऑन फर्स्ट स्ट्रिंग, then 2 on first string, then 0 on first string। तो इसको slowly play करेंगे, इस टाइप से आएगा। तो अब एक बार चारों पार्ट को मिलाकर slowly play करते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। Thank you।
पहला पार्ट। दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट। चौथा पार्ट और मेलोडी पूरी हो गई। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको ऐसी ही और भी सिंपल सिंपल वीडियोस सीखनी है तो आप मेरी और वीडियोस चेक कर सकते हैं। मैंने इससे पहले भी बहुत सी ऐसी सिंपल सिंपल वीडियोस बनाई हैं बिगिनर्स के लिए।